कर लेता है। इसी सेंसर से डायल का गेज घूमता है और हमें वाटर मीटर रीडिंग मिलती है जितनी। हेलो दोस्तों, मैं अशोक कर्स आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैसा लगेगा जब आपकी बिजली मीटर से कोई और कनेक्शन ले ले और उसका बिजली बिल इनडायरेक्टली आपको भरना पड़े। दोस्तों, क्या दूसरे का बिजली बिल आप भरना चाहेंगे? नहीं ना, फिर दूसरों के पानी का बिल आप क्यों भरते हैं? जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मेरे वाटर मीटर के इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने बताया था कि वाटर मीटर कितना जरूरी है, जी हाँ दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको वाटर मीटर की पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम वाटर मीटर की बनावट, उसकी वर्किंग प्रिंसिपल और उसको कैसे फिट किया जाता है, ये सारी चीजें सीखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज वाटर मीटर। वाटर मीटर एक ऐसा डिवाइस है जो पानी के प्रवाह दर को नापता है, मतलब एक निश्चित समय में पानी का कितना वॉल्यूम पाइप से निकल रहा है उस दर को प्रवाह दर कहते हैं। जैसे एक सेकंड में 2 लीटर वॉल्यूम पानी पाइप से निकल रहा है तो फ्लो रेट होगा 2 लीटर पर सेकंड। उसके बाद वाटर मीटर आपके घरों और बिल्डिंग में पानी के खपत को नापता है। मान लीजिए आप ये पता लगाना चाहते हैं कि एक दिन या एक महीने में आप कितना पानी का उपयोग किए हैं, उसका हिसाब वाटर मीटर में मिल जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे बिजली मीटर से बिजली का हिसाब मिलता है और उसी वाटर मीटर से हम पानी के बिल का भुगतान कर सकते हैं। अगर पानी का बिल ना भी देना हो फिर भी बहुत जगहों में पानी का खपत जानना जरूरी है, वहां वाटर मीटर लगाना ही चाहिए। तीसरा, आपके पाइपलाइन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लीकेज का पता लगाता है, मतलब पाइप का कहीं भी ज्वाइंट हो या नल का लीकेज हो या नल ही खोल के कोई भूल गया हो तो हमें वो जानकारी वाटर मीटर से मिल जाएगा। और वाटर मीटर की रीडिंग हम क्यूबिक मीटर यूनिट में लेते हैं। ये यूनिट सिर्फ इंडिया और पड़ोसी देशों के लिए है, कुछ फॉरेन कंट्रीज में दूसरे यूनिट्स गैलन या क्यूबिक फीट का इस्तेमाल होता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं इंडस्ट्रियल या कमर्शियल वाटर मीटर के बारे में बताऊंगा। आइए देखते हैं इस वाटर मीटर को कैसे फिट किया जाता है। वाटर मीटर फ्लेंज के साथ सेटअप में आता है। इसे पाइप के फ्लेंज जॉइंट में लगाया जाता है। इस मीटर पे बने एरो के निशान को पानी के बहाव की दिशा से मिलाते हैं और इसे फिट करते हैं। अगर उल्टा फिट करेंगे तो ये वाटर मीटर काम नहीं आएगा। एक तरफ से पानी अंदर जाता है और वाटर मीटर से होते हुए बाहर निकल जाता है। नीचे दिए गए फोटो से आप समझ सकते हैं कि वाटर मीटर फ्लेंज जॉइंट में कैसे लगाया जाता है। दोस्तों, आइए अब चले फील्ड में, जहां पे एक खराब वाटर मीटर को निकाल के एक नया वाटर मीटर लगाया जाएगा। देखिए दोस्तों, ये खराब वाटर मीटर है जिसमें वाटर मीटर की रीडिंग नहीं मिल रही है, उसे निकाल के एक नया वाटर मीटर लगाया जाएगा। दोनों फ्लेंज जॉइंट के बीच से इस वाटर मीटर को निकाल दिया गया है। अब एक नया वाटर मीटर दोनों जॉइंट में फिट होगा। देखिए दोस्तों, ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि एक इंडस्ट्रियल वाटर मीटर है। घरों में वाटर मीटर फिट करना बहुत ही आसान है। दोस्तों, फ्लेंज और वाटर मीटर के बीच के जॉइंट को अच्छे से फील करना जरूरी है, इसीलिए वहां गैस्केट लगाया जाएगा ताकि वाटर लीकेज ना हो। दोस्तों, फाइनली वाटर मीटर चेंज हो गया है। जो पुराना वाटर मीटर है उसे हमने निकाल लिया और एक नया वाटर मीटर लगा दिया गया है। दोस्तों, आगे इस वीडियो में मैं आपको पुराने वाटर मीटर को पूरी तरह खोल के दिखाऊंगा। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें। वाटर मीटर के फ्लेंज जॉइंट को खोले बिना सिर्फ उसके इंटरनल पार्ट्स को स्टडी के लिए निकाल के दिखाते हैं। ये अंदर कुछ इस तरह कंस्ट्रक्शन होता है। टर्बाइन ब्लेड है, उसके साथ वाटर मीटर डायल अटैच्ड है। तो दोस्तों, आप ये फोटो देखिए और समझिए कि ये वाटर मीटर अंदर से कैसा दिखता है। दोस्तों, अब हम वाटर मीटर की वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे। ये एनिमेशन वीडियो सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया गया है। जरूरी नहीं सभी वाटर मीटर इसी के जैसे हों। मार्केट में और भी कई तरह के वाटर मीटर मिल जाएंगे। पाइपलाइन में पानी वाटर मीटर के टरबाइन से होकर गुजरता है। पानी के बहाव और गति से टरबाइन घूमता है जो उसके साथ कनेक्टेड बेवल गियर को घुमाता है। बेवल गियर के साथ एक शाफ्ट कनेक्टेड है जिसके दूसरे ओर प्रोब लगा है। ये प्रोब शाफ्ट के साथ घूमता है और डायल में लगे मैग्नेटिक सेंसर उसे सेंस कर लेता है। इसी सेंसर से डायल का गेज घूमता है और हमें वाटर मीटर रीडिंग मिलती है। जितनी तेजी से पानी का बहाव होगा उतनी तेजी से टरबाइन घूमेगा और उसी हिसाब से हमें वाटर मीटर में रीडिंग मिलेगी।
दोस्तों जैसा कि मैंने पहले बोला था कि इस खराब वाटर मीटर को हम खोल देखेंगे, तो चलिए अब इस वाटर मीटर को हम खोलते हैं और जानते हैं इसके अंदर कैसी बनावट होती है और क्या क्या चीजें होती है। देखिए दोस्तों, ये इनलेट पोर्शन है, इस तरफ से पानी वाटर मीटर के अंदर जाता है। इस तीर को देखिए तो पानी जाएगा हमारा लेफ्ट टू राइट। ये आउटलेट पोर्शन है दोस्तों, मतलब इस तरफ से पानी वाटर मीटर से बाहर की ओर आता है। चलिए दोस्तों अब वाटर मीटर को खोला जाए, अब इस सेटअप को खोल के बाहर निकाला जाए जहां पे डायल के साथ टरबाइन वाला पार्ट पूरा बाहर आ गया है। आप देख सकते हैं ये किस तरह दिखता है। अब हम डायल और टरबाइन वाले पोर्शन को अलग अलग कर देंगे। अब डायल को टरबाइन के पोर्शन से पूरी तरह अलग कर देंगे। ये डायल आपका निकल गया है। ये डायल में मैग्नेट लगा रहता है, ये मैग्नेटिक सेंसर है, जैसे मैंने पहले वर्किंग प्रिंसिपल में आपको बताया था। देखिए दोस्तों टरबाइन को उंगली से घुमा के देखते हैं, ये टरबाइन कितनी अच्छे से फ्रीली घूम रहा है। ये प्रोब है, ये वाला पोर्शन जो ब्लैक कलर का है वो प्रोब है। ये है बेवल गियर जो टरबाइन से कनेक्टेड रहता है। दोस्तों ये टरबाइन पोर्शन है, ये टरबाइन के थ्रेड हैं जो बेवल गियर से कनेक्ट होते हैं। ये बेवल गियर को घुमा के देखते हैं दोस्तों, बेवल गियर के साथ ये ऊपर प्रोब भी घूमता है। दोस्तों अब ये डायल्स हैं, इसके अंदर काफी सारे डिजिट्स हैं जिससे हम रीडिंग देखते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। दोस्तों मेरी अगली वीडियो में मैं आपको कैलकुलेशन पार्ट बताऊंगा कि वाटर मीटर कैसे रीड करें, फ्लो रेट कैसे निकालें और वाटर कंजप्शन और लीकेज कैसे टेस्ट करें। दोस्तों मेरे वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।